वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश लर्निंग शो बाय पीके जादव। आज का हमारा वीडियो है प्रीपोजिशंस, राइट। प्रीपोजिशन आप यकीन, आपको यकीन करना पड़ेगा, 92% इंग्लिश मूव्स अराउंड प्रीपोजिशन। सच ए ग्रेट टॉपिक इज प्रीपोजिशन। आपने देखे होंगे ये टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, अगर आपकी प्रैक्टिस कम है ये टॉपिक कन्फ्यूजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑन द रोड, वही बात, आई एम इन द स्ट्रीट, कन्फ्यूज, यस दैट्स अ कन्फ्यूजन। आई एम ऑन द रोड, लेकिन वही बात, आई एम इन द स्ट्रीट। आई एम एट द स्टेशन, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कहाँ पे है, मैं स्टेशन पे हूँ। स्टेशन पे मीन्स आई एम नॉट ऑन द स्टेशन, आई एम एट द स्टेशन। आई एम एट होम बट आई एम इन द हाउस, इंटरेस्टिंग, आई एम एट होम बट आई एम इन द हाउस। दैट्स वाई ये वीडियो आपका मेजर कन्फ्यूजन क्लियर करेगा। लेकिन एक बात है, ये वीडियो के बाद 60-70% आपका प्रीपोजिशन, आपके जो प्रीपोजिशन डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन 100% डाउट क्लियर होने के लिए आपको इंग्लिश ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो 70% आपके डाउट क्लियर करेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसमें, अगर आपको सपोज इफ यू वॉन्ट टू गेट कमांड, श्योरली आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा चीटिंग भी है, कन्फ्यूजिंग है। आप देखो ना, कहाँ पे है, तो मैं पार्टी में हूँ, आई एम नॉट, आई एम इन द पार्टी बोलने के बजाय यू हैव टू से आई एम एट द पार्टी। एक्चुअली इन द पार्टी ऑल्सो राइट, बट आई एम एट द पार्टी मीन्स इट्स अ करेक्ट वन, दैट्स राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रीपोजिशन, लेट मी क्लियर, प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स रिलेशन। जो वर्ड पहले नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है एंड पोजिशन कम रिलेशन बोलता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट होम, वेर आई एम, वेर इज माई पोजिशन, एट होम, दैट्स वाई प्रीपोजिशन। इज इट क्लियर। ये आपके सामने पहला कुछ पहला डेमो है। सो अगर आप किसी चीज के अंदर है, इन, आई एम इन द हाउस, आई एम इन द हॉल, I am in the classroom. At present, I am in this process. In, inner position के लिए। वही बात, अगर बाहर से अगर आप अंदर आते हैं, into should be used. Into should be used. For example, he jumped into water. I came into the class. Into बाहर से अंदर आने के लिए। I jumped into water. Into water means अंदर आ रहे। In जो already अंदर है, in, लेकिन बाहर से अंदर आने के बाद इनटू। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर आप जंप मार रहे हैं, अपॉन, आई जंप अपॉन द टेबल, आई जंप अपॉन द रॉक, जंप, इट्स अ मूविंग कंडीशन, इट्स अ मूविंग कंडीशन। नेक्स्ट, अगर आप किसी चीज के, सपोज जा रहे हैं, टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन अगर उसमें मोशन है, आई एम रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल। Why towards? There is a motion. I am throwing the ball towards you because motion is there. Is it clear? Once again, I am going to school. Wahi baat, I am running towards the school. Clear? Next. Agar aap kisi cheez ke paas se aa rahe hai, from. He came from Mumbai. He came from Delhi. He came from America, etc. Clear? Kisi cheez ke pass out ho rahe hai, andar se ja rahe hai, through, our car went through the forest, the bird flew through the window, why, the bullet passed through the head, correct, pass out over it, yes, we move through the garden, means from one side to another, correct, so agar kisi cheez se andar se pass out ho rahe, through should be used, correct, and I hope that you must have understood for that, to jaane ke liye, wahi agar motion hai, towards, through, अंदर से जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो मीन्स विंडो द्वारा चला गया, अंदर से चला गया। नेक्स्ट वन, फ्रॉम, किसी कहां से आ गए। तो नेक्स्ट, सपोज टचिंग पोजिशन में कुछ चीज ऊपर है, टचिंग पोजिशन में, ऑन, जस्ट सी, द बॉल इज ऑन माई हेड, इज क्लियर, द पेन इज ऑन माई हेड, टचिंग पोजिशन में। वही बात, थोड़ा ऊपर जाइए, अबो, अबो,
अबव मीन्स काफी ऊपर, एक्चुअली ओवर अबव बोथ आर सेम, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, स्ट्रेट अगर ऊपर है तो ओवर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री मीन्स स्ट्रेट द ट्री, वही बात द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्री, दिस नॉट द स्ट्रेट, इट मे बी एनी वेयर, डाउट क्लियर? ऑन टचिंग पोजिशन के लिए अबव एनी वेयर एंड ओवर मीन्स स्ट्रेट, यस, सी द फैन इज अबव माई हेड, वही बात, एक्चुअली द स्काई इज अबव माई हेड, ओवर माई हेड यू कैन टेक नो प्रॉब्लम, सो अबव और स्ट्रेट रहा तो ओवर, इज इट ओके? अब थोड़ा नीचे आइए, नीचे दैट इज बीनीथ, जस्ट बीनीथ द सीलिंग देर इज, देर आर एलईडी लाइट्स आर देर, और नीचे आने के बाद बिलो, बिलो मीन्स एनी वेयर, जस्ट बिलो द सीलिंग, यस वी आर हियर, बिलो द सीलिंग, बिलो द सीलिंग देर इज अ टेबल, वही अंडर द कैट सैट अंडर अ टेबल, स्ट्रेट अंडर अ टेबल, सो इट इज एग्जैक्ट लाइक अबो एनी वेयर इन द सेम वे बिलो एनी वेयर, लेकिन अगर स्ट्रेट है दैट इज अंडर, इज इट क्लियर? सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन, दिस डाउट इज क्लियर, नाउ कम दिस टू दिस पॉइंट, अराउंड, किसी चीज के मीन्स घूमते हैं दैट इज कॉल्ड अराउंड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, लॉर्ड गणेशा मूव्ड अराउंड हिज पेरेंट्स, वेयर हैज लॉर्ड कार्तिके मूव्ड अराउंड द अर्थ अराउंड. नेक्स्ट वन, बिटवीन, दो जने के लिए बिटवीन, जो दोनों के लिए, सी संडे इज बिटवीन सैटरडे एंड